गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी और गुजरात में विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया और देखते ही देखते भूपेंद्र पटेल के रूप में राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया। हूँ भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के, ईश्वर ना नामे सौगंध लऊं छूं के, हूँ गुजरात राज्य ना मुख्यमंत्री तरीके, गुजरात राज्य ना मुख्यमंत्री तरीके। नरेंद्र मोदी ने जब से अहमदाबाद छोड़ दिल्ली की गति संभाली है, तभी से गुजरात में बीजेपी के लिए नेतृत्व का संकट रहा। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद आनंदीबेन पटेल को कमान मिली, लेकिन उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और फिर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में विजय रूपाणी ने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल पूरे किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने ऐलान किया था कि साल 2022 का चुनाव विजय रूपाणी और नितिन पटेल की जोड़ी के साथ ही लड़ा जाएगा। लेकिन शायद बीजेपी हाईकमान 2017 के विधानसभा चुनाव को नहीं भूला है, जो विजय रूपाणी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था और बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच कोरोना संकट काल में राज्य सरकार के कामकाज पर काफी सवाल उठे, जिसके कारण विजय रूपाणी सवालों के घेरे में आ गए। वहीं पटेल समुदाय की नाराजगी लंबे वक्त से बीजेपी के साथ बरकरार। ऐसे में तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और पटेल समुदाय के भूपेंद्र पटेल को मौका दिया। पहली बार विधायक भूपेंद्र पटेल के नाम की अचानक घोषणा से पहले जिन नामों को मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था, उनमें एक राज्य के सबसे अनुभवी बीजेपी नेता और आधा दर्जन से अधिक बार विधायक और मंत्री रह चुके उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का नाम शामिल था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाते हुए गुजरात सीएम की गद्दी भूपेंद्र पटेल को दे दी? दरअसल इस सवाल का जवाब साल 2010 से साल 2017 के 7 वर्षों में ढूंढा जा सकता है। इन 7 सालों में भूपेंद्र पटेल के कामकाज ने मोदी का मन मोह लिया। साल 2010 में 36 से पार्षद चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल को अहमदाबाद नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के गुजरात मॉडल का चेहरा अहमदाबाद को ही बनाया था। अहमदाबाद को तब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण अभियान के तहत 2700 करोड़ रुपए, बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट BRTS के लिए 1100 करोड़ रुपए के अलावा साबरमती रिवर फ्रंट के लिए 2 चरणों में दी गई 1200 करोड़ रुपए की रकम दी गई। इन योजनाओं के सही तरीके से जमीन पर उतारने में भूपेंद्र पटेल की बड़ी भूमिका रही। वर्ष 2011 में अहमदाबाद यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर शहरों की सूची में भी शामिल हो गया। वर्ष 2010 से 17 तक के पहले 5 वर्षों में अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति और फिर बाद के 2 वर्षों तक अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के तौर पर पटेल ने नौकरशाहों और नेताओं के बीच की खींचतान खत्म करने में बड़ी भूमिका अदा की। अधिकारियों और चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल ने शानदार परिणाम दिए और अहमदाबाद में निगम ने कई विकास परियोजनाओं को पूरा कर दिखाया। इन्हीं खासियतों के कारण बीजेपी ने उन्हें लगातार 4 बार AMC चेयरमैन का पद दिया, जो AMC के इतिहास में पहली बार था। पटेल ने वर्ष 2012 में बिल्डिंग रेगुलाइजिंग स्कीम को बढ़ावा देने के लिए शुल्क कटौती का आइडिया दिया, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की और शायद इसी का नतीजा ये रहा कि अब उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।